भीषण गर्मी को देखते हुए बघेल आर्मी के युवाओं ने सड़क पर चलने वाले राहगीरों की बुझाई प्यास। शरबत वितरण कर रहे इन युवाओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं के प्रति किए जा रहे बेहतर कार्य को बनाया उद्देश्य। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूरे प्रदेश में युवाओं के प्रति बेहतर कार्य किए जाने की ओर युवाओं को आगे लाने की सराहना के उद्देश्य को लेकर बुधवार को बघेल आर्मी के बैनर तले युवाओं ने दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर इस भीषण गर्मी को देखते हुए सड़क पर गुजर गए राहगीरों की प्यास बुझाने शरबत का वितरण किया। इस मौके पर बघेल आर्मी के युवाओं ने भरी दोपहरी में आने जाने वाले लोगों की प्यास बुझाकर भविष्य में आगे और सेवा करने का भरोसा जताया। भूपेश बघेल आर्मी का और ये कार्यक्रम हमने भीषण गर्मी को देख के, धूप जितनी पड़ रही है और लू का समय है, जिसके कारण हमने पेयजल की व्यवस्था की है, शरबत की व्यवस्था की है और इमरजेंसी बहुत लोग आते जाते हैं, इमरजेंसी वाले वो सब पानी के लिए घूमते रहते हैं, जिसको देखते हुए हमने छोटी सी पहल की है और आगामी भी ऐसे जितने युवा जुड़ते जा रहे हैं भूपेश बघेल आर्मी के बैनर तले, तो वो अच्छे कार्यों को देखते हुए हमसे जुड़ते जा रहे हैं। जो कि आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी का जो जितने विकास कार्य हैं, आप उसको देखेंगे कि चारों तरफ जहाँ चौबंद व्यवस्था है, चाहे CCTV कैमरा से लेके हो, चाहे रोड चौड़ीकरण से लेके हो, बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ निर्माण कर रहे हैं हमारे भूपेश बघेल जी। यह है गर्मी को देखते हुए नौ टप्पा, जो विषम गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, आताहत है, तो भूपेश बघेल आर्मी के नेतृत्व में पानी वितरण का कार्य किया गया है। और इसी तरीके से आगामी आप देखते जाएंगे सामाजिक काम होते जाएंगे, युवा हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। भूपेश बघेल आर्मी जी के चलते हुए काफ़ी संगठन हमारे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बिल्कुल चलाते रहेंगे। ग्रैंड सीन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।